गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज यह है डे वन, एक तारीख है, और आज है ना मेरा बहुत अच्छा खुशी का दिन है। तो आज है मेरी परी का बर्थडे, और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये दो पार्ट में लाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा होगा। अभी मैं खाने से लेके जो मतलब क्या क्या बन रहा है ये सब डिश शेयर करूँगी, क्या कर रही हूँ ये सब करूँगी। उसके बाद फिर मैं बर्थडे वाला अलग से एक स्पेशल डाल देंगे। तो थोड़ा 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 क्लिक करके थोड़ा लेंथी हो जाता है, फिर कोई देखता नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा। आज फिर जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं खाना बनाने की, ये वो सब, तो वो बनाएंगे उसके बाद फिर। तो यहाँ पे परी आई है, आ जा परी। अभी अभी जस्ट क्या 12 बज चुके, आना। तो ये परी को बोलो हाय, बोलो। शर्माती है तो उनको आप, मेरे बेटी को आप है ना अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दीजिए। बोलना परी के अच्छे, वो भाग रही है। तो मेरी बिटिया है ना ऐसे थोड़ा शाही है, तो ये आने के लिए बहुत ये होती है। तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्या है। तो आज मेरी परी मतलब ये बहुत खुश है, क्योंकि इसकी जो बर्थडे का तो है ना परी का इतना मतलब मेरे लिए परी स्पेशल है। मेरे दोनों ही बेटी बहुत स्पेशल है, क्योंकि दोनों ही ऐसी कंडीशन में हुई थी कि मतलब जैसे कि अब क्या बता सकते हैं, ऐसे ही मतलब नहीं बचने वाली थी, बोल भी नहीं सकती अभी मैं तो। इसलिए है ना हम लोग है ना बच कुछ नहीं, लेकिन बर्थडे याद करके और अच्छे से मनाते। रात को 12 बजे परी ने थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा पेस्ट्री या केक मिठाई इस टाइप का वो काट लिए थे, तो हमने वीडियो नहीं बनाया था रात को। तो ये है हमारा बर्थडे, मेरी बेटी का रीज़न है वो। मैं अपनी जो ये है वो कहाँ कंडीशन बाद में बताऊंगी कि परी डिंकी किस कंडीशन में हुई थी, कैसी हुई थी। तो ये सब एक एक्स्ट्रा ब्लॉग बनाऊंगी मैं, तो सोच रही हूँ बनाओ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। जब मेरे अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे ना तब मैं बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए तो आज है ना बहुत अच्छा अच्छा दिन है, तो अच्छे अच्छे मेरी बेटी को सब लोग ब्लेसिंग दीजिए कि कुछ आगे बढ़ के कुछ बने और नाम रोशन करें। तो यही से मैं यही सब आपसे आशा रखती हूँ, और फिर इसके बाद फिर मैं अभी क्या बना रही हूँ ये शेयर करती हूँ, है ना। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे है ना देखिए सब्जी बगाना चालू हो गई, मटर पनीर की सब्जी। और हम दोनों में है ना शर्त लगी थी कि कौन अच्छी सब्जी बनाएगा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा ये जो मेहमानों की सब्जी है ना सिद्धार्थ जी बनाते हैं। और ये देखिए कैसे बैठे हैं, आप इनको देखिएगा आचार्य जैसे बन गए। और ये है ना हीटर पे बना रहे थे, तो वहाँ पे वो बना रहे, और मैं है ना इधर गैस पे किचन में बना रही थी। मैं छोले की सब्जी बना रही थी काले चने की, और ये बना रहे थे हरे मटर। और ये देखिए मटर और पनीर बना रहे थे, मैं उनको पनीर भी तल के दी। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या बोलते हैं इसका जूस, टमाटर प्यूरी है। और देखिए मैं मटर ये चने उबाल रात को सुबह गला दिए थे 3 घंटे पहले, और फिर उसको उबाल दिए थे चाय पत्ती का पानी डाल के। और इधर मैं बगाड़ रही हूँ अपनी सब्जी, तो मैं चने बगाड़ रही हूँ और वो मटर पनीर बगाड़ रहे हैं। तो सब ने बहुत अच्छी तारीफ़ की चने, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों की सब्ज़ी बगा रही है, क्योंकि मेरे यहाँ सिद्धार्थ जी बनाते हैं। आज सिद्धार्थ जी फिर पड़ गए मेरे सामने। तो ये देखिए, ये फिर मैंने प्याज मसाला डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर, ये डिंकी के पापा यानी सिद्धार्थ जी बगाड़ रहे हैं। ये मटर की, ये दोनों आपको एक साथ मिल जाएगा, हमने आज शर्ती ऐसी लगाई थी। तो फिर इसमें ना मैं ऑयल डाल रही हूँ, इधर मेरा चल रहा है उधर उनका चल रहा है। इधर चने की रेसिपी दिखा रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और चने अभी डाल दूँगी तेज़पत्ता। और यहाँ पे देखिए इनका मसाला पक चुका है, थोड़ा ऑयल कम लग रहा था, ये पका ही रहे थे, मेरी सब्जी भी पक गई लेकिन इनकी सब मसाला नहीं पक रहा था, वो धीरे धीरे कर रहे थे ये। थोड़ी टेस्ट इनकी, नमक कम हो गया था इनके सब्जी में और मेरे सब्जी में थोड़ा अच्छा बना था, तो इस टाइप का। और मेरा ये देखिए मैंने अभी बनाया, तो गाइज बहुत टेस्टी बनी थी। और यही शर्त लगी थी परी और मेरी परी क्या मतलब स्पेशल है मेरे लिए, तो मेरे दोनों बिटिया बहुत स्पेशल है। और मैं दोनों का ही हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ अच्छे से, मतलब जब तक मेरे से बनता है तब तक मैं तो उनका अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। और भगवान के दिए से ना जब परी का बर्थडे के वक्त सब आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। और बहुत खुशी दी है परी के, परी हुई तब से ही जीवन में खुशी भी आ गई थी बहुत, और डिंकी को बहुत हमने दुख भोगे थे, तो इस टाइप का ही हुआ है। और बस यहाँ पे इनका मसाला, ये मेरा मसाला है मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है, और मैं गैस पे बना रही थी और यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी। और यहाँ पे
हल्दी डालने के बाद मसाला वगैरह, गरम मसाला, नमक ये सब डाल दूँगी। और मेरे में ज़्यादा मतलब ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि है ना एक ग्रेवी वाली बहुत वो मटर पनीर बनाऊँगी, जिनको ग्रेवी खानी है वो ग्रेवी वाले खाएंगे, जिनको सूखी खानी है। तो यही हमारा मेन्यू था। मीठा में मैंने कुछ नहीं बनाया था, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ और बाकी पक गया। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना पका हुआ, और बिल्कुल थोड़ा सा मसाले में ज़्यादा भी नहीं और तीखा भी नहीं हुआ और मीठा भी नहीं हुआ। ये देखिए नींबू का रस भी डाल दिया था तो इस टाइप। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोले मसाले, कैच वाला छोले मसाला डाल दी हूँ, बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ जी डाल रहे हैं टमाटर प्यूरी। मैं यही भूल जाती हूँ, टमाटर प्यूरी का कलर कितना अच्छा है ना। वो बेचारे जैसे बैठ गए और करते रहे। और मैंने रायता भी बनाया, सब्जी भी बनाई, पूड़ी भी बनाई, पुलाव भी बनाया, लेकिन फिर भी उनकी सब्जी पकाना नहीं हुई थी तो वो हार गए थे। तो इस टाइप का हमारा ये हो गया था। ये देखिए ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले ये कलर के लिए। मसाला तो भरपेट मतलब हम कंजूसी नहीं करते, और दिल खोल के मैं मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है, भला ही भगवान ने पैसा कम दिया है लेकिन है ना सबको खिला के भेजो ना तो बहुत अच्छा मतलब आनंद मिलता है दिल को। सब आ जाए ना और रिश्तेदार मतलब मन मुटाव तो चलते रहते, लेकिन ऐसे फंक्शन वंक्शन में सब मिलना मुझे ऐसे आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि सब ने मिलना चाहिए और दुख भरी सब मतलब सब भूल जाना चाहिए, मेरा यही कहना है। तो इसी वजह से अपन बना भी लेते कि सब मिल जाते हैं और सब दुख दूर हो जाए। अब देखो दुनिया कैसी हो रही, कहाँ से कहाँ ये कोरोना की वजह से आज जिंदा है कल है नहीं, एक यादगार रह जाती है। तो इसी टाइप तो ये देखिए मेरा हाल देखिए क्या हो रहा है। और ये दो बच चुके थे, वो वहाँ पे मटर पनीर बना रहे हैं और मैं यहाँ पे काले चने बना रही हूँ। काले चने बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए हमें ना दो दो सब्जी और एक ही सब्जी, हमने पहले मेनू क्या एक ही सब्जी का तैयार किया था, फिर सोचा कि छोले कोई खाता नहीं है तो इसलिए मटर पनीर और थोड़े से साथ में जैसे सूखे सूखे ये छोले काले चने बना रही थी। तो सिद्धार्थ जी की ये बोल रहे थे कि ठीक है तो फिर हम बना रहे हैं। और अभी बस रायता बाकी है और पुलाव बाकी है, पूड़ी बाकी है तो शाम तक बन ही जाएगा। अभी कितने बजे, दो बज चुके होंगे तो अभी इधर दो ढाई बजे तक सब्जी बन जाएगी और फिर शाम को गर्म गर्म पूड़ी। तो परी का ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया। और ये परी का है ना बर्थडे का, मैं पूरा बर्थडे का अब बस आज मैं क्या बना रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट टू दो भाग वो मैं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो आप देखोगे नहीं, फिर तो कट करके देखोगे, इसलिए जो तैयारी है वो मैं पहले वाला कर रही हूँ। और इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, मैंने आलू भी उबाल लिए थे क्योंकि आलू से क्या होता है थोड़ी ग्रेवी थिकनेस आ जाती है। और ये देखिए काले चने, और काले चने किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ मुझे है ना छोले पसंद नहीं है तो मैंने मतलब सब्जी भी कोई खाता नहीं, फेंकने में जाती है दूसरे दिन, उससे अच्छा मैंने सोचा कि थोड़ा सा सूखी सूखी काले चने पूरी। और ये देखिए इनके अभी मसाला भी नहीं बना, मेरे साथ ही लगे थे, मेरे से पहले लगे थे। और ये देखिए मैंने चने भी डाल दिए और मेरे चने पक के तैयार हो गई है देखिए। और इसके बाद मैं धनिया के साथ इसको रख दूँगी और थिकनेस इतना ही है। तो ये आखिरी वाला फाइनल लुक है मेरे जो मैंने सब्जी बनाई थी। और यहाँ पे हमारी डिंकी परी, डिंकी भी बहुत मतलब ये कर रही थी सजावट के लिए अपनी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए, भला ये लड़ती रहेगी लेकिन इन लोगों के मतलब जब फंक्शन वगैरह होते हैं ना दोनों साथ मिल जाते हैं, वो उसका करती है उसका और छोटी बहन का है तो उसको तो खुशी हो ही होगी। और मैंने मेरी बिटिया के लिए परी के लिए बहुत अच्छा ड्रेस मीशो से मंगाया था, तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मस्त ड्रेस है। और यहाँ पे मैं है ना चावल बीन रही हूँ, ये गोल्डन शिला चावल है और ये मैं पुलाव के लिए, तो मैं मेरी सब्जी पक चुकी थी, ये सब्जी बना ही रहे थे तो इस टाइप की सब्जी बनी है। और अभी थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी आ जाएगी तो ये मटर पनीर है बनाया, थोड़ा ग्रेवी रखा है गाइस क्योंकि दोनों ही सब्जी थोड़ा चावल के साथ भी अच्छी लगनी चाहिए ना इस टाइप की। और ये छोले है, ये देखिए मैंने आलू छोले की कितने, और यहाँ पे देखिए बलून वगैरह सब है ना डिंकी ने और परी ने मिलके भरा और इतनी इंजॉय किया, पूरे फूट गए थे, बहुत अच्छा लगा। और शांति से अगर खाना बनाने वाले में मतलब ये कि हाथ मार रहा हो ना तो सही रहता है। और यहाँ पे मैं अभी पुलाव बना रही हूँ, ये देखिए चावल हो गए पक गए और यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। मेरी पुलाव की तैयारी तो यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाल दिया, जीरा डाल दिया है और जीरा डालने के बाद है ना मैं मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा प्याज वगैरह का मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हल्दी वगैरह डाल के फिर उसके बाद मैं ना चावल छोड़ दूँगी, बस हो गया। और इसमें सोयाबीन की बड़ी, तो ये सिंपल पुलाव बहुत अच्छा मतलब सब्जी के साथ अच्छा लगता है और इतना अच्छा टेस्टी खाना बना था गाइस कि मतलब पूड़ी भी बराबर हुई ना ज़्यादा हुई, बस सब्जी थोड़ी बची है।
जिन लोगों की अपेक्षा मतलब किए, दो चार लोग नहीं आए, दो ही लोग मतलब हमारी नन नहीं आई, नन को नंदोई को कहीं जाना पड़ा, ऐसे फंक्शन के वक्त ही उनको है ना कहीं जाना पड़ता है, तो वो नहीं आ सके। बस बाकी तो ऐसे वक्त आ जाते हैं, ऐसा नहीं है तो आ जाएंगे। तो इसके बाद मैं सोयाबीन की बड़ी डाल दे रही हूँ। ये देखिए कल मेरे भाई भी आए थे, तो वो भी कल मतलब रुके नहीं, मैं उनसे मिलाऊँगी आपको। मेरा छोटे मतलब मेरे से बड़े जो भाई है वो आए थे, तो वो अभी मतलब बर्थडे में नहीं रुके, वो चले गए थे, मेरे आई को मिलने आए थे और चले गए थे, वो कहीं काम से आए थे, तो इस टाइप का ये हो गया था। तो यहाँ पे मैं नमक वगैरह सब डाल के फिर है ना इसमें है ना चावल डाल दूँगी, हो गए। और उसके बाद धनिया के साथ सर्व करूँगी, धनिया के साथ सर्व करूँगी। हो गया मेरा पुलाव तैयार। और इधर फिर बज चुके थे, ये समय था 5 बज चुके थे, और मुझे पूड़ी भी बेलनी थी, फिर डिंकी ने उधर का डेकोरेशन करके है ना इधर है ना पूड़ी बेल ली। तो थोड़ा सा आप इंजॉय कीजिए, फिर मैं है ना म्यूजिक लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा पुलाव बन के तैयार हो गया, कैसा है लग रहा है बताओ ना, बताना गाइस। क्योंकि मैं है ना मैं होटल में नहीं जा मतलब होटल से नहीं मंगाती ना होटल में जाती हूँ मैं। ये जो मेरे बच्चों के बर्थडे है ना मैं घर में ही अटेंड करती हूँ, घर में फंक्शन करती हूँ, और घर में ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जहाँ रेंट से रहती थी ना वहाँ के एक ही लड़का था, तो वो लोग भी हम लोगों को, हम लोग शुरुआत से बचपन से 1 साल की परी थी, तब से हम सब मिल के रेंट वाले मकान के मालिक ये सब मिला के करते थे, तो मुझे आदत हो गई है और मुझे मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे परी भी है ना कर रहे हो, बोल रही मत कर मेरा वीडियो, अभी परी तैयार होने की है, और परी तैयार होगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी वर्स से। और यहाँ पे ये देखिए बलून वगैरह सब, और यही कमरा है पार्लर वाला हमारा, तो वहीं पे हम है ना ये करते हैं। और यहाँ पे डिंकी ने देखिए बेडशीट जो मिशो से मंगाई थी ना वो चादर ओढ़ा दी, और ये चादर पता है मिट्टी ने है ना ख़राब भी कर दी, उसमें दाल चावल गिरा के, तो कैसी लग रही है आप बताना गाइस। और यहाँ पे मुझे है ना परी पूरी बेल के दे रही, बीच में है ना कस्टमर भी आ गए थे, तो भाई लक्ष्मी कस्टमर तो भगवान की ये रहती है, तो मैं उनको कभी वापस नहीं भेजती हूँ। हाँ थोड़े लेट आते ना तो मैं ज़रूर वापस भेज मिल जाती, तो फिर है ना उनकी आईब्रो वगैरह कर दी। और यहाँ पे मैं है ना परी को तैयार कर दे रही, तो आप इसका ड्रेस बताना। यहाँ पे कूपी आ गई थी और सब आ गए थे, और मैं परी को तैयार करके दे रही थी। तो इस टाइप की मेरी परी तैयार हो रही, उसके बाद मैं होंगी, तो आप ड्रेस बताइएगा। और ये मैंने मीशो से मंगाई है गाइस। और यहाँ अंकिता भी आ गई और सब देख रहे हैं, मतलब बाकी लोग तो आने के थे लेकिन घर वाले सब आ गए थे, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर दे रही हूँ। पू भी देखिए, पीहू भी देखिए कितनी सुंदर दिख रही है शरारा में, और मैं भी अब यहाँ पे तैयार हो जाऊँगी। इसके आगे का मैं कल दिखाऊँगी कि क्या बर्थडे का पूरा सेलिब्रेशन कौन कौन आया था कौन नहीं आया था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स ना, और कल का वीडियो जरूर देखना। यहाँ पर अंकिता भी तैयार हो गई, मिलती, बाय।